हेलो फ्रेंड्स, ये है ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग। ये ट्रांसफॉर्मर स्टेबिलाइजर ट्रांसफॉर्मर है। ये सब लैमिनेशन हम खोल के रखे हैं। ये सिर्फ कॉइल है। ये कॉइल में तीन वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी और एक वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज अप डाउन करने के लिए एक वाइंडिंग रहता है इसमें। अब हम ये ट्रांसफॉर्मर खोलने का वक्त सब वायर का इस ऑफ रखना है। ये ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा इसमें। ये एल्यूमिनियम का वाइंडिंग है। ये एल्यूमिनियम का वाइंडिंग बहुत प्रॉब्लम आता है, वो कनेक्शन में प्रॉब्लम आता है और हेवी हीटिंग होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये भी ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है। ये सब खोल के इसका कितना टर्न्स है और इसका क्या वायर गेज है, सब भी लिखना पड़ता है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, डालने का वक्त प्रयास होता है। देख लो, हमें क्लीन से ये सेकेंडरी वायर निकल रहा हूँ। ये कितना वाइंडिंग है वो सब भी लिखना पड़ता है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये बहुत नाइस वायर का है। ये सभी हम गिन के खोलना पड़ता है। ये सब गिन के खोल के उसका क्या वायर गेज है वो सभी लिख सकते हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं ना। बहुत वायर रहता है इसमें, बहुत वाइंडिंग भी रहता है। देख लो, ये नियरली 170 टर्न्स हुआ, सॉरी ओनली 70 टर्न्स। ओके, और ये इंसुलेशन पेपर है वो निकल रहा हूँ। और ये वोल्टेज ज़्यादा कम करने के लिए एक वाइंडिंग रहता है इसमें। ये 21 गेज का है वायर। ये 150 टर्न्स है। ये सब एल्यूमिनियम वाइंड का वायर है, वो बहुत सस्ता में मिलेगा। मगर ये कॉइल लेना पड़ता है, हमको ये नहीं मिलता। हम प्योर कॉपर वायर डालना पड़ेगा। ये भी लिख लिया हमें। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग का इंसुलेशन पेपर निकल रहा हूँ। ये भी बहुत नाइस वायर है। ये ऑडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये
नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपको क्या तो कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक बार ये प्राइमरी वाइंडिंग का सीरीज कनेक्शन में चेक किया, वो ठीक नहीं है। पहले ये इसी प्रॉब्लम था, इसमें एक कॉन्टैक्ट पॉइंट में लूज कॉन्टैक्ट रहता है। एक बार ये क्या अभी नहीं है, लूज कॉन्टैक्ट नहीं है, वो अंदर कॉइल का अंदर कहाँ तो टूटा है, नहीं तो बर्न हुआ है। देखने को अच्छा ही है, ये भी बहुत नाइस वायर है। ए 34 वायर गेज है, 34 नंबर। ये एक एक वाइंडिंग का हमें इंसुलेशन डालना पड़ता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग में खोल के गिन लिया, 1600 टर्न्स है। देख लो, एक 34 गेज का कॉपर वायर में वाइंड कर रहा हूँ। ये हाई स्पीड वाइंडिंग मशीन है। ये एक बार घुमाए तो 8 टर्न्स आ जाएगा, इसलिए 1600 टर्न्स डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, उसमें कितना टर्न्स आया वो डाल रहा हूँ। ए एंड वायर कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, वो क्लीन से सॉल्डर करके इसको बांध रहा हूँ। हम देखने के लिए ट्रांसफार्मर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मगर इसमें क्या भी नहीं है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है, वो सब भी हमें बना सकते हैं। वो वायर गेज चाहिए, ये वायर गेज देखने के लिए, और मार्केट में वायर कितना गेज का होना वो उतना गेज का मिलेगा। देख लो, ये प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हुआ। ये बहुत नाजुक का काम है, मगर आसानी से कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर लेने के लिए मार्केट में 300-400 ऐसा पूछेगा, वही ट्रांसफार्मर वो अल्यूमिनियम का रहता है। हम एक 100 रुपये में ये ट्रांसफार्मर वाइंड कर सकते हैं। देख लो, ये 21 गेज का मैं खोल दिया ना, वो डाल रहा हूँ 150 टर्न्स, 150 डिवाइडेड बाय 8 वो आ जाएगा, वो कितना टर्न्स होता है, 19 टर्न्स नियरली होता है, वो डाल रहा हूँ। वो एक क्लीन से बनाना, नहीं तो ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा हुआ तो वो लैमिनेशन बिठाने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और भी ये वाइंडिंग डैमेज होता है, इसलिए क्लीन से बहुत आसानी से काम करना पड़ता है। देख लो, ये सेकेंडरी वाइंडिंग भी
कंप्लीट हुआ। सेकेंडरी वाइंडिंग मीन्स इट इज़ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज करने के लिए वाइंडिंग है, वो इसका इंसुलेशन टेप लगा रहा हूँ, वो एक एक वाइंडिंग का भी हमें इंसुलेशन पेपर लगाना पड़ता है, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हुआ तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में शॉर्ट हुआ तो काम की नहीं रहते है ये ट्रांसफार्मर, इसीलिए प्राइमरी अलग सेकेंडरी अलग सब अलग वाइंडिंग करना पड़ता है, बीच में ए इंसुलेशन पेपर लगाना पड़ता है। और देख लो ये सेकेंडरी वाइंडिंग 70 टर्न्स का है, ये भी 9 टर्न्स के आसपास आ जाएगा, ये भी बना दिया, इसको भी मैं स्लीव लगा के इसको भी ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा रहा हूँ। ये भी ख़त्म हुआ, ये तीन वाइंडिंग था, मैं तीन वाइंडिंग भी बना दिया। और डालने का पहले हम प्राइमरी से सेकेंडरी शॉर्ट है क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन अच्छा है क्या, ये सब भी देखना पड़ता है, नहीं तो लैमिनेशन डालने का बाद और भी खोलना पड़ता है, इसलिए पहले ये सब देख के प्राइमरी वाइंडिंग विदाउट लैमिनेशन पावर को नहीं डालना पड़ता है, ये मीटर्स में चेक करना नहीं तो सीरीज कनेक्शन में चेक करना बहुत काम का है। देख लो ये एफ टाइप लैमिनेशन शीट से, और एक ईआई और ईआई का एक लैमिनेशन रहता है, और एफ टाइप का भी लैमिनेशन शीट है, ये एफ टाइप का है, देख लो मैं सब भी डाल के सब हम क्या निकलता है, कितना लैमिनेशन शीट्स निकलता है वो सब शीट डालना है, नहीं तो बहुत वाइब्रेशन आ जाएगा ट्रांसफार्मर, इसलिए सब शीट डालना पड़ता है। अब मैं ट्रांसफार्मर फिट कर रहा हूँ, लैमिनेशन टाइट किया, मार्केट में इतना क्वालिटी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। ये वार्निश है, इंसुलेशन वार्निश, ये वाइंडिंग को डाल के सुखाना पड़ता है, एक एक ड्रॉप निकल रहा है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। ये अच्छा वार्निश डालना और ये बांध के रख रहा हूँ, ये सुखाने का बाद इसको ट्रांसफार्मर कंप्लीट होने का बाद ये स्टेबलाइजर को डालता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।